बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। 20 फरवरी है 2023, 28 रजब, 14/44, 8 फागुन, मार्केट 446 पॉइंट नेगेटिव। यूनिटी फूड्स को करने जा रहे हैं, यह भाई ओएस के नाम पे है और भाई ओएस ये 27 दिसंबर 21 को हम कर चुके हैं, अब इसको दोबारा करने जा रहे हैं, वो भी आपकी फरमाइश पे। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी हम बता चुके हैं कि अपना 52 वीक के रेंज के बिल्कुल नीचे आ गए 13 रुपए। इसके मतलब इसको कैंक करने वाला है। अगर आप इसको ले भी लेंगे और नुकसान होता है तो 15% से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। अब हम जाते हैं इनकी क्या कहते हैं ईपीएस पे। तो ईपीएस जो है इसका नहीं मेंशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ रहा है। और इसको अगर हम इनकी कंपनी के ऊपर जाएं तो अर्निंग पर शेयर 2.27 आ रहा है 2022 का। तो कैश डिविडेंड्स ने दिए नहीं है। जो आखिरी कैश डिविडेंड दिया था उसने 2019 में दिया था और उससे पहले 2018 में 5 दिया। तो ये अभी मेरे ख्याल है कंपनी के छोले मुक गए। ये इनके जो एक लेटर है शेयर कर देते हैं। आर रिपोर्टेड आर हेयर रिसीव एंड कंसर्न अडॉप्टेड, वो ये कुछ इन्होंने दिया। चल हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर इनकी जो मज़ीद चीज़ें हम निकाल के आपको देते हैं और वेबसाइट खोलते हैं इसकी। इसके बारीकी में जाएं तो बीटा वैल्यू 1.59 है। इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा ये फ्लक्चुएट होता है और ट्रेड होता है। और इसको अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर दें तो 13.28 है और बुक वैल्यू पर शेयर है 17.72। इस मतलब साइड बाय साइड चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा जान नहीं है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं है। इसकी जो एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फिलहाल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब मिलते हैं तो उसके ऊपर हम और तबसरा करते हैं। इसका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, मुश्किल से निकला है। 42.37 इसकी गेयरिंग रेशियो है, मतलब कंपनी जो है 40-50% जो है लोन पे चल रहा है। और उसका ईपीएस पर शेयर है 2.27। तो कंपनी ने कोई दिया है कि नहीं दिया वो भी हम निकालते हैं अभी। जी बस मैं आप लोगों को ओएस भाई थोड़ा मायूस नहीं करना चाहता। कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, कंपनी पकड़ है और ना देगी। तो ऐसे पकड़ का कंपनी के बारे में मैं एक ही चीज़ करता हूँ, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, बस खुद खा के। तो शेयर होल्डर्स को उन्होंने कुछ देना ही नहीं। 2.27 ईपीएस है मगर इनकी जान जाती है शेयर होल्डर्स को पैसे देते हुए। बहरहाल आई विल नॉट रिकमेंड यूनिटी फूड्स, प्लीज ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस यूनिटी फूड्स। और ये इट्स नॉट अ बैड नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओएस भाई आज की वीडियो कैसी लगी? अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर हूँ। वस्सलात वस्सलाम खातमुन नबी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्योरिटी एंड फ्रेशनेस प्रिजर्व्ड इन एन ऑल न्यू ग्लास बॉटल। वाटर जस्ट गॉट बेटर। मरे स्पार्कलेट्स, अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ मरे ब्रूअरी।